कहते हैं सफलता मिलने से बड़ी होती है सफलता में नम्र और जमीन से जुड़ा रहना, जो व्यक्ति को महान बनाती है। ऐसी ही कहानी है पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर की बेटी मीराबाई चानू की, जो आज एक स्टार वेटलिफ्टर बन चुकी है। मीराबाई आज जहां भी जाती है वहां लोगों की भीड़ उनकी एक झलक को पाने के लिए बेताब रहती है। मगर स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू अब कुछ ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ रही है, जिन्होंने उन्हें स्टार बनने में उनकी काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी। दरअसल बात उन दिनों की है जब मीराबाई चानू अपने गांव से इम्फाल के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाया करती थी। उस समय मीराबाई चानू का परिवार आर्थिक तौर से काफ़ी कमज़ोर था। ऐसे समय कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने उन्हें ट्रेनिंग सेंटर तक रोज़ाना वो फ्री में लिफ्ट दिया करते थे, जिससे उनके आने जाने का जो खर्च था वो कम हो जाता था। इन बचे हुए पैसों से मीराबाई चानू अपने डाइट पर ध्यान देती थी। और अब मीराबाई चानू जो कि स्टार वेटलिफ्टर बन चुकी है, वो अब इन ट्रक ड्राइवर्स की तलाश कर रही है, जिन्होंने उन्हें उनके मुश्किल वक्त में उनकी सहायता की थी। मीराबाई चानू चाहती है कि अब वो भी उन ट्रक ड्राइवर्स की सहायता करें जिन ट्रक ड्राइवर्स ने उनके मुश्किल दौर में उनकी सहायता की थी। मीराबाई चानू की माँ, जो आज भी गांव में एक चाय की दुकान को चलाती है, उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए कहा, चूँकि मैं गांव में चाय की दुकान चलाती हूँ, ट्रक ड्राइवर्स चाय पीने मेरे दुकान पर अक्सर रुकते थे और मीराबाई को लिफ्ट दिया करते थे। मणिपुर की बेटी मीराबाई चानू आज एक लोकप्रिय हस्ती बन चुकी है और आसमान की नई बुलंदियों को छू रही है, मगर वो आज भी जमीन से जुड़ी हुई है। ये सबसे खास बात है मीराबाई चानू का, और दिखाती है मीराबाई चानू ने दिखा दिया है कि आज वो भले ही एक खास हस्ती बन चुकी हो, आज वो भले ही एक स्टार वेट लिफ्टर बन चुकी हो, मगर वो उन लोगों को नहीं भूली है जिन लोगों ने उनके मुश्किल वक्त में उनका सहायता किया था। और इसीलिए आज मीराबाई चानू उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ रही है जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उनकी सहायता की थी। और अधिक खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सब जानते हैं कि इन दिनों देश में COVID-19 का माहौल है। रोज़ाना देश में COVID-19 के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर तब निकलें जब कोई बेहद आवश्यक काम हो। अपने और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।